प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पालमपुर व सुलह न पहुंचने पर पालमपुर में बैजनाथ के विधायक मुल्खराज प्रेमी ने ही बाईपास थ्रू ब्रिज का उद्घाटन किया। सुलह में भी सभी विकास योजनाओं में विभिन्न गांवों के 32 करोड़ की लागत से बनने वाले पेयजल योजना का शिलान्यास, हमीरपुर सुजानपुर मरंडा सड़क पर पुल का शिलान्यास, नवगठित लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का शुभारंभ, भवारना नागरिक चिकित्सालय में 50 बिस्तर की सुविधा के लिए 24 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास, प्रदेश के नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर व प्रदेश के शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाइव स्ट्रीमिंग में कहा कि परिस्थितियों के कारण वे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मन था कि जनता के बीच जाकर उन्हें संबोधित करते। शिलान्यास व उद्घाटन सहित कई बड़ी योजनाएं सुलह में आज किए जाने थे। एक साल के कार्यकाल में कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार हर छोटे बड़े कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साल में क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और जिन मांगों को रखा गया है सभी मांगों से वे सहमत हैं। सुलह में पीएचसी को सीएचसी का दर्जा, बिछवाई में सीएचसी, सुलह में फार्मेसी कॉलेज सुलह में खोलने के लिए आने वाले समय में भी खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धीरा को उप तहसील से बढ़ाकर अब तहसील का दर्जा दिया जाएगा। सुलह में उप तहसील में आने वाले समय में भी खोलने की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में सुलह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए विधिवत ढंग से आईपीएच का मंडल कार्यालय भी खोला जाएगा। आईटीआई गढ़ जुमला में सभी ट्रेड शुरू किए जाएंगे। साथ ही पालमपुर में बाईपास का उद्घाटन से यातायात की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। अपने संबोधन के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने भी विभिन्न गांवों के 32 करोड़ की लागत से बनने वाले पेयजल योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को विकास कार्यों के लिए बधाई भी दी। वो सुलह जिसमें मैंने 93 में जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, ये मेरा छठा चुनाव था। जब मैं चुनाव की शुरुआत की थी मिसेस शांता कुमार और शांता कुमार जी के साथ, सुलह के दरों सारे कोनों में जाने का मौका मिला। और आज जिन हाथों में सुलह का विकास है, उस विपिन परमार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस मंच से। आपके यहाँ परोर और अन्य समूह घेरू वालों समूह के लिए जो आईपीएच विभाग का जलापूर्ति योजना का शिलान्यास हुआ है, सबसे बड़ा शिलान्यास 32 करोड़ की लागत से आपको समर्पित हुआ है। राज्य के नागरिक चिकित्सा भवाना के अतिरिक्त 50 बिस्तरों के भवन और आवासीय परिसर का शिलान्यास, 55 मंजिला भवन का जिसपे लगभग 24 करोड़ पे जो है, ये दूसरा बड़ा शिलान्यास आपका यहाँ पर संभव हो पाया है। और यहाँ मार गिराया है आज के इसमें नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमें बहुत ज्यादा सम्मान देते हुए उनको ताली लगाते हुए भारत माता की जय कहते हुए हमें अपने प्रधानमंत्री जी को ये बताना होगा कि हम आपके पीछे लगातार चट्टान की तरह खड़े हैं। आप जो भी काम इस देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए ये देश पूरी तरह से समर्पित होकर अपने प्रधानमंत्री जी के पीछे चलते हुए उन पे पूरा विश्वास करते हुए देश सुरक्षित हाथों में है। जब नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे बीच में है जो किसी भी मोड़ पे आकर अपने देश को झुकने नहीं दे रहा, उसका सिर और सीना ऊपर उठाए हुए, जो हमारी फौजों को मान सम्मान करते हुए खुला हाथ दिया है कि दुश्मन को हमारे भारत की सीमा के अंदर तो आ ही नहीं सकता, अगर वो नापाक अरबों के साथ कहीं नजर भी उठाए तो उसकी नजर को गिरा देना है। जिस तरह से F-16 जो है, F-16 जैसा